वेलकम एवरीवन। फाइनल इंस्पेक्शन हम लोग सीखेंगे होंडाई न्यू मॉडल वर्ना कार। पहले जो फ्यूल लीड और डिकी का लीवर हम लोग प्रेस करके उठा लेंगे, उसके बाद ब्रेक ऑयल का लेवल मैक्सिमम मिनिमम लेवल चेक करेंगे, वाइपर का पानी, बेल्ट टेंशन, अल्टरनेटर बेल्ट, ऑल बेल्ट, कूलेंट मैक्सिमम लेवल, इंजन ऑयल मैक्सिमम मिनिमम लेवल। लेवल चेक करना बहुत जरूरी है, कम रहेगा फिर भी प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा रहेगा फिर भी प्रॉब्लम होगा। कूलेंट रेडिएटर कैप, रबर स्प्रिंग, एयर फिल्टर क्लैंप, क्लिप, बैटरी टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पोल, इश्यू लॉक, फिटिंग्स, गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट, वायरिंग हार्नेस, क्लच पैडल, ब्रेक पैडल, एक्सेलेटर पैडल, ये तीनों पैडल जो है प्री प्ले फुल्ली चेक करना है। उसके बाद स्टार्ट स्टॉप बटन से क्लच करके हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे। फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गया। जो एसी वेंट, ऑल एसी वेंट फुल्ली चेकअप करना है, ऑडियो वॉल्यूम, एसी एफिशिएंसी यूनिट ऑफ, रिफ्रेश जो बटन, ये पूरा सब बटन फुल्ली प्रेस करके चेक करना है। एसी वेंट, स्टीयरिंग स्विच, ये सब चीज ज़्यादा यूज होता है गाड़ी में। ऑल बटन जो है फुल्ली चेकअप होता है। कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेगा उस टाइम भी ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है चेक करने के लिए। क्लस्टर मीटर, स्पीडोमीटर, ऑल टोटल क्लस्टर मीटर भी फुल्ली हम लोग चेक कर लेंगे। हैंड रेस्ट, सनरूफ स्विच, रूफ लाइट का स्विच, रूफ लाइट ऑन करके देख लेंगे, उसके बाद सनरूफ ओपन करके देख लेंगे। सनरूफ का रबर हर टाइम सही चेक करना है। जो डोर स्विच, मिरर, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, ऑल टोटल सिस्टम स्विच, ये सब चीज गाड़ी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। डोर हैंडल, लॉक स्विच, डोर ग्लास, ओपन क्लोज, डोर हैंडल, जो लीवर है चेक करेंगे, सीट बेल्ट चेक करेंगे, रूफ हैंडल चेक करेंगे, रियर का सीट बेल्ट, ऑल एसी वेंट रियर का, चार्जिंग स्लॉट, ये सब बारीकी से चेक करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। टायर बीट और टायर प्रेशर ये बहुत ज़रूरी है चेक करना हर गाड़ी में। सब चीज़ गाड़ी का जो भी चीज़ है सब चीज़ सही से चेक करना बहुत जरूरी। मिरर, लाइट, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है ज़्यादा। पुराना जो पार्ट है उसको साइड करके रखेंगे। उसके बाद जो टूल किट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टूल किट, स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील का लॉक सही से बैठा हुआ के नहीं है, जॉक हैंडल, ऑल टोटल नॉइज आता है चीज पूरा सही से चेक करना है। उसके बाद डोर रबर, नहीं तो डोर रबर प्रॉब्लम होगा तो सही से एसी ठंडा नहीं होगा या निकालने का प्रॉब्लम होता है। फिर
जो डी की चैनल होता है, चैनल भी ग्रीस करना है, डी की लॉक ग्रीस करना है, बैक लाइट का जो कॉर्नर होता है वो हम लोग सही से चेक करेंगे, इंडिकेटर लाइट, नीचे का बम्पर क्रैचेस है कि नहीं है, लोगो जो है वो सही से फिट है कि नहीं है, जो एंटेना होता है बाहर में रहता है, जो फ्यूल कैप, ऑल टोटल सिस्टम पूरा चेक करना है। डोर स्विच और डोर हैंडल ज़्यादा यूज़ होता है, इसके लिए डोर स्विच और डोर हैंडल, डोर हिंज पूरा ग्रीस करना है, फिर हेड रेस्ट, सीट बेल्ट, ऑल टोटल सिस्टम चेक करेंगे, डोर हैंडल, एसी वेंट, ग्लोव बॉक्स, लॉक, ऑल सिस्टम, मिरर लाइट, ये ज़्यादा चोट लगता है, वाइपर ब्लेड ख़राब होने से गाड़ी में जो ग्लास में कैचेस, और फॉग लाइट, हेडलाइट फोकस, वेपर, ऑल टोटल चेक करना है। फिर उसके बाद डोर हैंडल स्विच ज़्यादा यूज़ होता है, डोर हैंडल स्विच महंगा आता है, 6-6.5 हज़ार के ऊपर आता है। फिर डोर एग्जस्टर, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, ये हर टाइम हम लोग प्रॉपर फ्री प्ले एडजस्ट करेंगे, डोर हिंज ग्रीस करेंगे, ये सब चीज़ ज़रूरी जो चीज़ होता है ये सब चीज़ हम लोग चेक करने का टाइम प्रॉब्लम आता है तो संग इसको चेंज करना है, नहीं तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम होता है ये चीज़ से, स्टीयरिंग का जैसा मान लीजिए स्टीयरिंग का कुछ स्विच प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका सर्विस रिमाइंडर जो सेव होता है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग काम नहीं कर सकेंगे उसमें। गाड़ी सर्विस होकर गया था, जनरल चेकअप के लिए आया, इसके लिए हम लोग सर्विस रिमाइंडर जो है वैसा ही एडजस्ट करके ओके करके हम लोग रख देंगे। थैंक यू।